हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज हमारी जो चल रही है 5.2। हमने प्रीवियस वीडियो में अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपका कि यदि किसी एपी के तीसरे और चौथे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, या फिर इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ जीरो। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर कंडीशन दी है कि जो तीसरा पद है वो कितना है 4 है, और जो नौवा पद है वो कितना -8, या फिर कह सकते हो कि जो थर्ड टर्म है हमारे पास में वो कितनी है 4 है, एंड जो आपकी नाइन्थ टर्म है वो कितनी -8। ठीक है, तो हमको बताना है कि वो कौन सा पद, यानी कि एन की वैल्यू बतानी है कि वो कौन सा पद है जो 0 है या 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं, और हमारे पास में जो मेन फॉर्मूला होता है कि होता है आपका टी एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो थर्ड टर्म या तीसरा जो पद है वो कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो देखते हैं, यानी कि थर्ड टर्म यानी कि T3, जो तीसरा जो पद होगा T3 होगा, और ए प्लस एन माइनस वन। अब देखो यहाँ पर क्या था, एन एन है तो यहाँ पर एन माइनस वन है। ठीक है, यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 -1, और इंटू डी, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि ए प्लस 2D। ठीक है, और T3 यहाँ पर दिया कितना है क्वेश्चन के अंदर, आपका दिया है थर्ड टर्म जो आप कितनी है 4 है। ठीक है, तो वो आपकी थर्ड टर्म कितनी है 4, एंड और जो आपकी नाइन्थ टर्म हो कितनी है -8, या फिर आप यहाँ से दे सकते हो कि तीसरा जो टर्म है कितना 4 है, और नौवा पद कितना -8 है। ठीक है, तो इस तरह से T3 टर्म मेरे पास में कितनी आ गई, 4 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ मैंने T3 की वैल्यू लिख दी 4, और यहाँ पर क्या चला ए प्लस 2D, ये मेरा इक्वेशन नंबर बन चुका है 1। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह मैं दूसरी कंडीशन बनाऊंगा, वहाँ पर दिया है कि जो तो आपका जो नोवा पद है या नाइन टर्म है वो कितनी -8 है। ठीक है, यानी कि आपकी कंडीशन इस तरह से बनेगी कि जो नोवा पद है T9 ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 9 -1 इंटू डी, या फिर आप इसको लिख सकते हो कितना ए प्लस 8D, और नोवा जो पद है आपका जब नोवा जो नाइन टर्म है वो कितनी है -8 है, तो ए प्लस 8D हो चुका है आपका। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप दे दीजिए कितना 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कर लीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। तो सबसे पहले मैं लिखूँ इक्वेशन 2, देखो कितना -8, और यहाँ पर ए प्लस 8D। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2D। अब मैंने सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू कैंसिल करनी है, यहाँ से ए खत्म हो जाएगा तो उससे मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये इसलिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और देखो ये माइनस का 8 और माइनस का 4 तो कितना हो गया -12। ठीक है, ये 8 और ये माइनस का 2 तो कितना बचता है 6D। ठीक है, आप जब इसको 6 से डिवाइड करोगे 12 को तो 2 टाइम कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आपकी -2। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस पहले से चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए आपके पास में डी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में जो डी की वैल्यू है, आप इसको इक्वेशन 1 या 2 में रखने के बाद आप यहाँ से पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो आगे कंडीशन हमारे पे कौन सा पद शून्य होगा फिर हम उसको आगे सोल्व करेंगे। तो पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आने वाली है देखते हैं। तो फर्स्ट मेरी ये है कि 4, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, तो ए प्लस 2D है, और 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू देखो कितनी है -2, तो यहाँ पर मैंने -2 लिखा, तो ए इक्वल टू यहाँ पर हो गया ए, ये कितना हो गया -4, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, ये इधर आके ऐड हो गया -4, इधर आके +4 हो गया, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी 8 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास में, डी की वैल्यू भी आ गई है। अब क्वेश्चन में कहा कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो, यानी कि वो कौन सा टर्म है जो जीरो है, मैं मानता हूँ वो एन टर्म है, या फिर कौन सा पद है वो जीरो है, मैं मान रहा हूँ वो एन वा पद है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास में फॉर्मूला कौन सा होता है, कि जो मेरे पास फॉर्मूला होगा टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी, जो हमने शुरुआत में लिखा वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, और टी एन वाला पद मैं मान रहा हूँ वो कितना है मेरा 0 है। ठीक है, यानी कि टी एन वा पद, तो टी एन की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 0 हो गई, ए की वैल्यू आप यहाँ से उठाओ कितनी है आपके पास में 8, और एन माइनस वन, और डी की वैल्यू -2।
ठीक है। देखो जीरो कहाँ से बोले कि यहाँ कहा कि कौन सा पद जीरो है, मैं मान रहा हूँ एन वा पद मेरा जीरो है। जैसे हमने कहा ना कि जैसे तीसरा पद चार है, ठीक है, ऐसे नौवा पद आठ है, तो यहाँ पर जो टी एन वा पद है मैंने कितने ले लिया, जीरो ले लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है, तो मैंने जीरो बना दिया है। तो यहाँ पर एट, यहाँ पर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो टू एन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि दो हो गया, ठीक है, यहाँ पर जीरो चल रहा है आपका, या फिर आप कह सकते हो कि जीरो इक्वल टू टेन हो गया और प्लस का टू एन, ये दोनों ऐड हो गए, या फिर माइनस का टेन इक्वल टू टू एन, या फिर एन की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, माइनस का फाइव, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो एन की जो वैल्यू है माइनस फाइव, वो माइनस फाइव है जो उन सब आपका शून्य है, ठीक है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में कितनी आ गई है, माइनस फाइव, माइनस फाइव है, एक्चुअली में गलती हुई है। देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई जो गड़बड़ की है, देखो माइनस दो की मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का टू एन होता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, और ये हमारा सही है पहले से ही, तो यहाँ माइनस का टू एन, और ये इधर आके आपका, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आपकी कितने पास आई, प्लस का फाइव, यानी कि जो एन आपका जो पांचवा पद है वो कितना है, शून्य है, या पांच जो फिफ्थ टर्म है आपकी वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। तो स्टूडेंट हमारे पास में टेंथ क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि किसी एपी का सत्रहवा पद उसके दसवें पद से सात अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि दी सेवनटीन टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स टेंथ टर्म बाय सेवन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो श्रेणी दी है, आपका यहाँ पर जो सत्रहवा पद है वो दसवें पद से कितना, सात अधिक है, ठीक है, और उसको आपको क्या निकालना है, सर्वांतर या डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका मतलब यह है, देखो आप अगर आपके पास में फॉर्मूला होता है कि टी एन इक्वल टू क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, यह आपका समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है एन वा पद का, ठीक है, हम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट। अब तो यहाँ पर एन वा पद का फॉर्मूला ये होता है, टी एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन की जगह आपको अदर बुक्स में ए एन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टी एन यूज़ कर रहा हूँ, टी फोर अच्छा लगता है क्योंकि टी फोर होता है टर्म, ठीक है। तो मैं टी एन इक्वल टू लिखा हुआ ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पर कहा कि सत्रहवा पद, तो सत्रहवा पद पहले हम बनाएंगे, सत्रहवा पद वो कितना हो जाएगा, ए प्लस सत्रह माइनस वन इंटू डी, जैसे यहाँ पर एन है तो एन माइनस वन, यहाँ पर सत्रह है तो सत्रह माइनस वन, या फिर ए प्लस सिक्सटीन डी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि दसवें पद, दसवा पद यानी कि टी टेन भी आप निकाल लीजिए, तो आपके पास आएगा ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी, या फिर ए प्लस नाइन डी, ये आपके पास में दोनों टर्म आ गए, सेवनटीन वाले भी और टेन वाले भी, ठीक है। अब उसने कहा कि जो सत्रहवीं पद है वो दसवें पद से कितना अधिक है, सात अधिक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी कंडीशन ये इस तरह से है कि आपकी जो सत्रहवीं टर्म है यानी कि टी सेवनटीन वो इक्वल किसके है, अगर मैं टी टेन में अगर सेवन को ऐड कर दूं, ये तो कहा देखो उसमें कि जो सत्रहवीं जो पद है आपका सत्रहवा पद उसके दसवें पद से सात अधिक है, अगर मैं इसमें सात जोड़ दूं दस के में तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर आप ये कह लो कि सत्रहवीं पद में से मैं सात को माइनस कर दूं तब बराबर हो जाएगी, इट मीन्स आपकी कंडीशन ये बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों वैल्यू को इसके अंदर वाला पुट कीजिए कि टी सेवनटीन कितना है और टी टेन कितना है, तो टी सेवनटीन आपने निकाला है कितना है, ए प्लस सिक्सटीन डी, और यहाँ पर टी टेन आपका ए प्लस नाइन डी और प्लस सेवन, ठीक है, ए से ए कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचता है कितना, सिक्सटीन डी और यहाँ पर आपका नाइन डी और प्लस का सेवन, जब आप इसको माइनस करोगे सोलह में तो यहाँ पर आप बचेगा आपका सेवन डी, ये इधर आके माइनस का नाइन डी हो जाएगा, और उसमें से आपने माइनस करा किसके साथ में से, सोलह में, तो सेवन डी इक्वल टू सेवन और सेवन से सेवन कैंसिल, इट मीन डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, वन आ गई है, ठीक है। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कितना है, वन है, ठीक है। तो आप देखिए हम क्वेश्चन नंबर अलेवन। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर अलेवन, तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि ए पी तीन पंद्रह सत्ताईस उनतालीस का कौन सा पद उसके चौवनवे पद से एक सौ बत्तीस अधिक होगा, या फिर विच टर्म ऑफ द ए पी थ्री फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन एंड सोन विल बी वन थर्टी टू मोर देन इट्स फिफ्टी फोर टर्म, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो कौन सा पद है जो एक चौवनवे पद से एक सौ बत्तीस अधिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास में श्रेणी है या सीरीज दी हुई है हमारे पास में ए पी है उसको हम लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हमने, ठीक है, जो हमारे पास में ए पी है वो क्या है,
वो लिख लेते हैं। अब हमारे पास 3, 15, 27 एंड 39 ये हमारे पास में दिए। अब यहाँ से आपकी जो फर्स्ट टर्म या प्रथम पद कितना है, ए बराबर 3 है। सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, डी की वैल्यू 15 माइनस 3 करोगे आप तो कितना आएगा, 12 आ गया। ठीक है, तो आपके यहाँ से पास वैल्यू मिल गई है कितनी, 12 आ गई है डी की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले 54 वाला जो पद आपको वो निकालना होगा। ठीक है, तो 54 पद निकालने के लिए आपको पास में जो एन की वैल्यू मिली है आपको कितनी मिल गई है, 54 मिल गई है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, T54 निकाल सकते हैं। तो T54, उससे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, TN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, T54 निकालने के लिए आपको यहाँ पर N की वैल्यू कितनी रखेगी, 54, और यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पर आपका 54 माइनस 1, D की वैल्यू आप देखो कितना, 13। ठीक है, आप उसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका बचता है 53 और इंटू 13। ठीक है, जब आप सॉरी आपका 12 है, डी की वैल्यू कितनी, 12 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखते क्या आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई आता है आपका 336 या फिर 339। जब आप इनको ऐड कर दोगे तो 339 बन जाएगा। 3 प्लस 3, 3, 636 कितना होता है आपका, 639 हो जाएगा। ठीक है, आपको 639 हो गया, ये तो T54 आ चुका है। ठीक है, अब हमने जो कंडीशन क्या है कि 54 132वें पद से क्या है, अधिक होगा वो लगाना है। तो वह कौन सा पद है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो मेरे पास में एनवा पद है। ठीक है, तो T54 पहले हमने निकाल लिया तो ये आ गया वैल्यू हमारे पास में। अब हम निकालेंगे TNवा पद। ठीक है, तो TNवा पद कैसे निकलेगा, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था वही लगाएंगे हम पहले। तो यानी कि वह वो कौन सा पद है, तो TN मानता हूँ कि वो पद T64वें पद से या 54 यानी कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर 54 लिखा मैंने और यहाँ पर 132 में ऐड कर दिया, यानी कि TNवें पद से वो कितना अधिक है, 132 अधिक है 54वें पद से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका T54 की वैल्यू जो आई थी आपके पास में 639 आपने रखा और यहाँ पर आपका 132 दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 771। तो यानी कि TN की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है, 771। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास में मेन फॉर्मूला होता है कि TN की वैल्यू आपको बतानी है कि N कितना है आपका। ठीक है, तो TN होता है आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, TN की वैल्यू यहाँ से उठाइए आप 771, A की वैल्यू आप जो आपके पास में सीरीज दी हुई है वहाँ से उठाओ, N की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और D की वैल्यू आपके पास में आई 12। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे आप तो आपके पास में वैल्यू कितनी आने वाली है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 771 और 3 प्लस यहाँ पर 12 एन हो गया तो माइनस का 12 है। ठीक है, या फिर 771 आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कितना बचता है देखो, और यह आपका माइनस का 9 बचा और प्लस का 12 एन। ठीक है, जब उसको कैलकुलेट करोगे और भी जब अंदर जाकर तो यहाँ पर ये इधर आकर ऐड हो जाएगा 771 और प्लस 9 हो गया इधर आकर और इधर आपका 12 एन, इनको ऐड करोगे 780 और इधर आपका कितना 12 है। ठीक है, या फिर आप इसको कर सकते हो कि n इक्वल टू 780 अपॉन 12, इसका मतलब क्या है कि 780 को आपने डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, तो डिवाइड करते देखते क्या आएगा हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में देखो, 12 5 60 होता है, 12 7 72 होता है, 12 7 84 यानी कि ज़्यादा हो गया, 12 6 कितना होता है, 12 5 60 12 6 72 यानी कि 6 बार तो कट रही है आपको, 12 6 72 यहाँ पर कितना बचा आपका 6, तो 12 5 60 यानी कि आपका 65 बार कैंसिल हो चुका है। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 65 या 65 आ गई है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपका देखो जो आपकी जो स्टार्टिंग में पूछा कि कौन सा पद अधिक होगा, 154वें पद से कितना अधिक होगा, 132, तो आप कह सकते हो कि जो एन का की जो वैल्यू है 65 होगा, यानी कि 65वां पद है जो 132 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, 132 अधिक है किस वाले से, आपके 54वें पद से। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 65वां जो पद है आपका 54वें पद से आपका कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देना। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी कि कॉमन जो डिफरेंस है दोनों श्रेणी का क्या है, इक्वल है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 या 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, या फिर टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस दैट
डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका दोनों दो श्रेणी दी है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों श्रेणी का या दोनों एपी का आपको जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर है वो क्या इक्वल है। अगर पहली में डी है तो दूसरी में भी क्या है डी है, बाकी सब अलग है। ठीक है, बस एक ही चीज़ कॉमन है, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन, और यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे कि पहले श्रेणी का प्रथम पद ये है या फर्स्ट टर्म ये है, दूसरी का जो फर्स्ट टर्म या प्रथम पद ये है, और जो डिफरेंस रहेगा दोनों को क्या इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या कि माना फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, यानी पहली जो आपकी श्रेणी दी है उसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं क्या कि प्रथम एपी का प्रथम पद। ठीक है, वो मैंने क्या ले लिया, वो मेरा क्या है A1 है। ठीक है, मैंने प्रथम जो आपकी जो एपी है या फर्स्ट टर्म है आपकी या फर्स्ट एपी है उसका जो प्रथम पद कितना A1 है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी है मेरे पास में यानी कि सेकंड और सॉरी फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, ये आपकी दूसरी एपी के बारे में बात चल रही है, यानी कि दूसरे एपी का प्रथम पद कितना है या फिर दूसरी एपी का प्रथम पद वो मैंने ले लिया कितना A2, या फिर आप इसको कह सकते हो ये मैंने A ले लिया है, मैं लिख देता हूँ ये मैंने A ले लिया है और ये आपका A-। ठीक है, या फिर A1 A2 भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैंने ये A ले लिया, जो आपकी फर्स्ट AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A है, दूसरी AP का मैंने फर्स्ट टर्म लिया है कि A- है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार यहाँ इन दोनों का जो सर्वांतर है वो क्या है D है, यहाँ पर लिख देना तब A2, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है प्रश्न अनुसार दोनों APs का सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस CD वो मैंने लिया D है, वो दोनों में क्या है इक्वल है, तो मैंने दोनों के लिए एक ही ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे जो हमारे पास में दी हुई है कि यहाँ पर कहा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, या फिर देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा है यदि इनके 100 पदों का अंतर कितना है 1000, यानी कि दोनों श्रेणी का 100 पद उठाओ और उनका अंतर कितना है 100 है, यानी कि 100 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसको, यानी कि इट मींस अगर आपकी फर्स्ट जो आपकी एपी अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो उसके लिए आपका जो श्रेणी बनेगा वो क्या बनने वाला वो देखते हैं कि जो आपका ए मैंने माना है उसका फर्स्ट 100 टर्म यानी कि उसका जो 100वां पद है। ठीक है, और दूसरी श्रेणी का मैंने माना है A- और उसका 100वां पद, इन दोनों का अंतर वो कितना है 100 के इक्वल है। ठीक है, यानी कंडीशन आपकी ये बन रही है। ठीक है, आप इसको चाहो तो T100 भी लिख सकते हो और T-100 इक्वल टू 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप अपने पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया A100 एंड A-100, यानी कि पहली जो आपकी AP है ये उसका प्रथम जो उसका 100वां पद है, ये आपकी दूसरी AP का 100वां पद है और दोनों का डिफरेंस कितना है 100 है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसमें देखते हैं कि पहले यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, अगर ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि ATn इक्वल टू होता है A+N-1 × D। जब आपने यहाँ पर 100 रखा यानी कि T100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A+99D, क्योंकि एक माइनस हो गया यहाँ से, तो इट मींस आपकी ये वैल्यू कितनी बन गई A+99D। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं बीच में माइनस। इसी तरह से यहाँ पर A- क्योंकि A- का जो आपकी दूसरी सीरीज है उसका प्रथम पद A- है, तो यहाँ पर प्रथम पद A- लिखा और 99D। ठीक है, D तो दोनों में इक्वल है और इक्वल में आपका 100 या 100। अब आप क्या करोगे A+99D
ये माइनस अंदर जाएगा तो ए डैश माइनस 99 डी इक्वल 100, ठीक है। 99 से ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, तो क्या बचता आपका ए प्लस और सॉरी ए माइनस ए डैश, वो कितना आ गया आपका 100, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर एक मान लीजिए, ठीक है। अब कंडीशन इसमें कहा कि दूसरी सवाल के अंदर ही कि दूसरी कंडीशन दी है कि इनके 1000 रुपये पदों का अंतर क्या होगा, यानी कि इसी श्रेणी दोनों श्रेणी के 1000 रुपये पदों का अंतर क्या होगा, तो वो कंडीशन देखते हैं। अगर आपको उसके 1000 रुपये पदों का अंतर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से बनाया जैसे ये वाला बनाया आपने, देखो तो यहाँ पर बस क्या होगा अंतर, यहाँ पर 1000 आ जाएगा आपका माइनस ए डैश 1000, ठीक है। अब उसको बोल रहा कि इसका अंतर क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस 99 यानी कि 999 डी हो जाएगा आपका 1000 की जब हम बात कर रहे हैं, बीच में माइनस है, यहाँ पर ए डैश प्लस 999 या 999 और डी, ठीक है, ये बन गया। या फिर ए प्लस 999 डी, ये माइनस अंदर गया तो ए डैश, ये माइनस यहाँ पर आ गया, ये वाला माइनस और यहाँ पर 999 डी, ये कैंसिल प्लस माइनस का, तो यहाँ पर देखो ए माइनस कितना गया, ए डैश आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, ए डैश और सॉरी ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ठीक है। आप क्या देखोगे, ये वाली जो टर्म है आपकी, ये इक्वेशन वन बन रही है, देखो तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 100 है, तो 1000 माइनस ए डैश 1000, ठीक है, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण एक से कि ए डैश माइनस और सॉरी ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी आपकी 100 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 1000 पदों का अंतर भी वही है जो 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, इसलिए 1000 पदों का अंतर भी 100 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 100 पदों का अंतर कितना है 100, और यहाँ पर भी देखो 1000 जो पद आपको उसका भी पद कितना अंतर 100 है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर कहा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंक की बात कर रहा है, यानी कि 100 से स्टार्ट करनी है और जाना कहाँ तक है, 999 तक, यानी कि 999 तक, उससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, और 100 से ना ही नीचे आना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी डबल डिजिट वाली रहेगी, यानी कि 2 डिजिट वाली डिजिट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 70 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिजिट हो सकती है, पहले आप देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर आप पहले तो डिजिट लिखो, 3 अंक की डिजिट कौन कौन सी होती है, देखो 100 है और 99 होती है, उसमें तो सिर्फ 2 ही डिजिट है, ठीक है, और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 101, ठीक है, 102, 103 एंड 100 कहाँ तक चलेगी, 999 तक चलेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे जो 7 से डिवाइड है, ठीक है, या जो 7 से डिवाइड हो सकती है वो कौन सा है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य वाले कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 105 है आपका एक, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे 7 एकम 7 होता है, बचता 3 7 5 35, यानी कि डिवाइड हो गया, उसके बाद में 112 है, इसी तरह से 119 है आपका, और एंड सो ऑन, लास्ट में आपका आपका बचेगा 994 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये जो डिजिट हमें मिली है 7 से क्या है, डिविजिबल है, और एक चीज़ और जो कि क्या है, अपने आप में एक ए पी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, 105, और डी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से निकाल सकते हैं कि 112 माइनस 105, जब आप उसको डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो कितना आएगा, डी की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास में जो लास्ट टर्म है इस बार दी हुई है, तो कितना, इसको एल मान लीजिए लास्ट टर्म, तो 994 है आपके पास में। अब आपके पास में क्या होता है फॉर्मूला, एल इक्वल टू लगा दीजिए, अब तो एल इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट कीजिए और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो लगाते हैं हम इसके अंदर सारी वैल्यू, देखते हैं l की वैल्यू हमारे पास में कितनी, 994, तो हमने यहाँ पर 994 लिखा, तो 994 e की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो 105 है इधर ले आइए इसको, यहाँ पर इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 994 माइनस 105 हो गया, और यहाँ पर आपका बचता है
एन माइनस वन और यहाँ पर 7, ठीक है। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको बचेगा 889 और यहाँ पर एन माइनस वन और यहाँ पर 7, ठीक है। अगले पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपका चल रहा 889, तो 889 और यहाँ पर चल रहा आपका एन माइनस वन और यहाँ पर 7, ये आपकी टर्म चल रही है अभी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि 889 डिवाइड बाई 7 कर दीजिए और यहाँ पर आपका n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, 127, ठीक है। तो 127 आ गया, तो n माइनस वन, देखो 127 कैसे आया, 7 एकम 7 होता है, बचा 1, 7 दूनी 14, यानी कि बचे 4 और 7 सत्ते 49, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 127, और ये माइनस वन इधर आके प्लस का 1 हो गया, यानी कि 128। अब मैं कह सकता हूँ कि जो तीन अंक वाली जो डिजिट है जो 7 से डिवाइड हो रही है वो कितनी संख्या है मेरे पास में, 128 है। तो यहाँ पर आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना कि तीन अंक वाले 7 से विभाज्य संख्या कितनी है, 128 संख्या है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल स्पार्क अकेडमी मेरठ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।